नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा, शिवेश स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सीखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया था कि इंग्लिश भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कम से कम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को जानना। तो स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? अब आपको तो पता है जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स को हम दैनिक जीवन से रिलेट करके देखते हैं। आपके आप सभी के घरों में इस चीज़ का प्रयोग होता होगा। ये क्या है? इसे हम लोग अपने गांव की भाषा में कलछुल बोलते हैं, दाल वाली कलछुल, ठीक है। अब दाल वाली कलछुल में क्या आपने कभी स्पून देखा है? भाई आप लोग अगर शहरी होंगे तो आप लोग स्पून से ज़्यादा स्पून का प्रयोग ज़्यादा करते होंगे। क्या आपने कभी स्पून में अपना फेस देखने का प्रयास किया है? इस प्रकार से स्पून में फेस देखने का प्रयास किया है? आपका फेस कैसा दिखता है स्पून में? नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज चलते हैं हम स्पेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आप अच्छा इस कलछुल को ही देखिए, इस बर्तन को देखिए। इस बर्तन का जो आकार है आपको कर्व टाइप में दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाला भाग है ये कर्व टाइप में दिख रहा होगा, गोला टाइप में ना, और जो नीचे वाला भाग है ये दबा हुआ दिख रहा होगा ना, जिससे वो कोई भी चीज आसानी से इसमें उठाया जा सके, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? आपने नींबू देखा है? नींबू जिसे लेमन बोलते हैं, जब आपने लेमन को दो भागों में डिवाइड किया होगा, दो भागों में अगर आपने नींबू लिया, नींबू को कट कर दो, दो भागों में आपने ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया ना, तो आपको नींबू दो प्रकार से बने, एक तो इधर एक तो ऐसे, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो गया। जो आपका अंदर वाला भाग है उसमें ढेर सारा मटेरियल होता है, ठीक है, अंदर वाला जो भाग है उसी में ढेर सारा मटेरियल होता है, उस मटेरियल का आप निचोड़ते हो और एक समय ऐसी आती है नींबू खाली हो जाता है, वो इस प्रकार से खोखला हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है स्पेरिकल मिरर, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले जान लेते हैं स्पेरिकल मिरर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। देखो जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले, जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस प्रकार से हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मान लीजिए आप अगर ये भी एक प्रकार से ये पूरा गोला था, सर्कल में आधा इसको काट दिया गया, बीच वाला खोखला बचा। जैसे आपके पास, आपने कभी प्लास्टिक गेंदों से खेला है? जब प्लास्टिक गेंदे, आपके पास प्लास्टिक गेंद हो, अगर नहीं हो तो मार्केट से खरीद ले आइएगा, ठीक है, 10 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिएगा और उस प्लास्टिक के गेंद को आप बीच से काट दीजिएगा, तो आपको दो भागों में वो प्लास्टिक गेंद जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, एक भाग ऐसे आएगा एक भाग ऐसे। हाँ, आपने बचपन में खेला होगा, जब आप कभी बॉल यूज करते थे स्टम्पर या
कई ढेर सारे, जब बॉल फट जाता था तो हम लोग क्या करते थे, बॉल को ऐसे करके अपने बदन में उस प्रेशर की वजह से आपका बॉल चपक जाता था आपके शरीर में। दो भागों में आपने ये सब खेल को खेला होगा, ठीक है। हम लोग छोटे थे तो बहुत ढेर सारा ऐसे तमाम तरीके की मस्ती करते थे, बट पता चला कि ये रियल लाइफ में भी बहुत ढेर सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग मस्ती करते थे वो रियल लाइफ में, फिजिक्स में हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं, बट हमको रियलाइज़ नहीं होता कि ये चीज़ हमसे कनेक्ट हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीखने का, देखो सीखने का अगर जज्बा हो ना तो कुछ भी आसान हो जाता है। समय को आप ये मत देखिए यार बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, नहीं भाई, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चीज़ों को स्टेप वाइज हम लोग सीखने के वाले हैं, ठीक है। तो यार जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके एक ओर पॉलिश कर दिया जाता है ठीक है भाई। दर्पण जो है, दर्पण कोई भी हो, दर्पण तभी होगा जैसे कांच का है, एक तरफ जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हमें दूसरी तरफ हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आपके जैसे मैंने हम उदाहरण बताया था जब मैंने पढ़ाया था समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, तो प्लेन मिरर में जब हमने प्लेन मिरर को देखा था जो सरफेस वो है प्लेन होता है, एक और आयरन ऑक्साइड या किसी पॉलिश से पॉलिश किया हुआ रहता है प्लेन। अगर नहीं देखा है तो क्या कीजिएगा, आप शीशा खरीदिएगा ना, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसके आप एक पिछली ओर देखेंगे तो वो कुछ पेंट ओंट किया हुआ रहता है, तो असल में वो पेंट होता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का पेंट हुआ होता है या पारे से पॉलिश किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये इस प्रकार से जो बनता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब हमने जब इस गोली दर्पण को हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है, काट दिया, नींबू को काट दिया, तो दो भागों में एक इधर से हम पेंट कर सकते हैं बाहर की ओर, एक तो हम अंदर की ओर भी पेंट कर सकते हैं, ये दो प्रकार के बन गए, ठीक है। जिसके बाहर की ओर से पेंट करते हैं तो भाई बाहर की ओर पेंट करेंगे, जैसे इसके बाहर की ओर पेंट कर देंगे तो अंदर की ओर से हम अपना, अंदर वाले की ओर से ही हम अपना फेस देख पाएंगे, बाहर तो पेंट हुआ रहेगा, हमें दिखेगा क्या। जैसे हम क्या करते हैं, इसी से ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं किसी काले से या किसी इसको रंग दूँ ना, पेंट दूँ, पेंट देता हूँ, ठीक है, ऐसे पेंट देता हूँ, तो जहाँ तक पेंट रहेगा वहाँ तक तो मेरा फेस नहीं दिखेगा। मान लो इसको पूरे तरीके से ऐसे मैं पेंट दिया, सपोज करो, क्योंकि मार्कर थोड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको पेंट देता, ठीक है, पेंट दे रहा हूँ, तो मुझे क्या ये पेंट वाले की तरफ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा भाई, मुझे अंदर की तरफ ही तरफ से हमें दिखेगा, यानी अंदर तरफ से दिखने का मतलब है, यानी इधर से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन जिधर से होगा भाई हम उधर से देख पाएंगे, आपको पता है, इतना तो मैंने बेसिक क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो जिसके बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहता है और अंदर से परावर्तन होता है उसे अवतल बोलते हैं, और जिसके अंदर पेंट हुआ रहता है बाहर से रिफ्लेक्शन होता है उसके उत्तल बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें हम जानते हैं। आइए हम अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसको स्टेप वाइज हम लोग किताबी भाषा में लिख देते हैं, किताब की भाषा ये है, किताब में ऐसे लिखा रहता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
पहला मैंने बताया, पहला अवतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसे बोलते हैं भाई, देखो कहीं मीनिंग वगैरह मेरा गलती होगा तो यार मुझे ज़्यादा इंग्लिश उंग्लिश आता नहीं है इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर, तो यार कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, मैंने अभी को बताया, जिसके उभरे हुए भाग, ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाए, पॉलिश हुआ रहे और अंदर वाले भाग दबे हुए भाग से परावर्तन हो या रिफ्लेक्शन सरफेस हो तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण ना, ऐसा ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो और दबे हुए भाग से परावर्तन हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मैं लिख देता हूं ऐसे, देखो लिखा है ना, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया हो और दबे हुए भाग से रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण। सॉरी लग गया तेज से, चलो ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण, अब यार उसी का अपोजिट है, ये गोला हो गया, गोला को दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दिए, जो उठा हुआ भाग है इसे क्या कहेंगे, उत्तल, यानी उठे हुए भाग पर पॉलिश हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल, और दबे हुए भाग से सॉरी उठा हुआ भाग पर पॉलिश हो और दबे हुए भाग से ही परावर्तन हो, भाई एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरी तरफ से परावर्तन होगा, अंदर तरफ से परावर्तन हो तो उसे कहेंगे अवतल, और जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं और उठे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इस भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं और उठे हुए भाग से परावर्तन होता है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब उत्तल दर्पण में क्या क्या चीजें यूज होती हैं हमारे समझ, हम उन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं, कहां ये सब चीजें हमें यूज होंगी। देखो यार भाई, टाइम कुछ भी लगे बट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर दो यार, ठीक है, क्योंकि यार जो भी यूट्यूबर हो अपनी मेहनत इसीलिए करता है कि उसका जो कंटेंट है वो कई लोगों तक पहुंच सके। मेरा केवल यूट्यूब से पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना कंटेंट जो है इजी वे में समझाने का तरीका मैं सभी बच्चों को पहुंचा सकूं, खासकर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम में हैं, बाकी तो इंग्लिश मीडियम के लिए यार ढेर सारे चैनल्स हैं, जैसे में आजकल ट्रेंडिंग में सर चल रहे हैं फिजिक्स वाला सर, और कई ढेर सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए है, बट यूपी बोर्ड वालों के लिए भी बहुत ढेर सारे टीचर हैं, उसी में एक टीचर हम भी हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं आप सब तक को ईजी वे में पढ़ाने का, ठीक है। आप लोगों की ये छोटी सी मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपकार होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम
एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दर्पण का। ये दर्पण, अच्छा भाई बताओ ये दर्पण कौन सा दर्पण है? ये दर्पण अभी को सर ने बताया कि जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और दबे हुए भाग से क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऐसा दर्पण, याद रखने का ट्रिक, ध्यान से सुनो ये, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और दबे हुए भाग से परावर्तन हो, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का सुन लो परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो, उभरे हुए तल से परावर्तन हो, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो शब्दों से पता चल रहा है, उत्तल यानी उठा हुआ तल, जिसके उठे हुए तल पर परावर्तन हो, उठे हुए तल से परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी जिसके अवतल यानी दबा हुआ तल ना, दबे हुए तल से अगर परावर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इसमें कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं आपके समझ? देखो एक तो होता है, मान लेते हैं ये गोली दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, गोली दर्पण का परिभाषा क्या था? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। अब भाई हम अगर गोली दर्पण की लंबाई नापना हो, गोली दर्पण कितना बड़ा है तो इसकी लंबाई नापेंगे, और लंबाई नाप के अगर उसका आधा करना हो तो हम किसी एक बिंदु को लेते हैं और यहां से खींचते हैं, तब इसको काटते हैं, ठीक है, काट दिए, तो जिस बिंदु से हम उसको काटे उसे सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब इसी में क्या परिभाषा बन जाता है? पहला आपका हेडिंग है वक्रता केंद्र, हिंदी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र, इसकी परिभाषा सुन लो, डिफिनेशन सुन लो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये होता है ना गोली दर्पण भाई, ध्यान से सुनो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ले लेते हैं दर्पण। अब मान लेते हैं यहां पॉइंट क्या सी है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब देखो इसका कटा हुआ भाग जो होता है वो सी होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आपका दर्पण बना है, ठीक है, ये जो भाग हो गया,
गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा सुन लो भाई, 2πr होता है ना, अब आधा हो गया ना, ठीक है ध्यान से सुनो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या करते हैं। दूसरा एक परिभाषा आपका, यहां से यहां तक की दूरी, पहले ये वाला जान लेते हैं और दूसरी परिभाषा लिख देते हैं ध्रुव की, ध्रुव जिसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं भाई, पोल। अब देखो जो ये परावर्तक तल है गोली दर्पण के, परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल इसका ये हुआ और इस वाले का जो हुआ अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, तो इसका परावर्तक तल जो है ये अंदर तरफ है, इसका परावर्तक तल यहाँ, यहाँ से जो यहाँ तक का भाग है, यहाँ से जो यहाँ तक पूरा भाग है जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल का सब इसका भी मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका भी मध्य बिंदु यहाँ होगा, यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान देना अगर परिभाषा आ रहा है, परिभाषा आ रहा है, डिफिनीशन आ रहा है कि भैया ध्रुव किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा पेपर में लिख देना कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सीधा सीधा गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब याद रखना ठीक है, अब तीसरी जो आपकी हेडिंग बननी चाहिए, ये तो भाई P और C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, सर अभी आपने तो ये परिभाषा बताया कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है। हाँ भाई ये भी हो सकता है, आप एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक और परिभाषा सुन लो, ये जो रेखा मिला रही है वक्रता त्रिज्या और सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है इसे बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस की परिभाषा क्या होगा, मुख्य अक्ष की परिभाषा, हाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और पांचवी जो हेडिंग हुई आपका फोकस हुआ, यहाँ फोकस होता है ठीक है, कैसे जानेंगे फोकस क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष जहाँ होता है कोई वस्तु जहाँ रखी जाती है दर्पण के सामने, और कोई भी वस्तु से क्या निकलती है, इंसिडेंट रेज निकलती है, आपतित किरण निकलता है। अब आपतित किरण के किसके सामने से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस और P तक की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। ठीक है, या जो फोकस दूरी हो रही है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये तो थोड़ा जनरल टॉपिक थे, थोड़ा सा बता दिया, डिस्कस कर दिया, डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो
कल की क्लास डिटेल वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो भाई, अगर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ सिवेश स्टडी पॉइंट के कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और साथ अपना बनाए रखिएगा, हमारे मिशन में आप मदद कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा मिशन है जो हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है। मेरी ऑफलाइन भी बैच चलती है घर पर, अगर आसपास हो सके, जो मेरे गांव के आसपास के विद्यार्थियों हों, जो हमसे जुड़े हों, वो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।